अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको अल्लाह के घर की सैर कराते हैं जी। काफ़ी जगह पे आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियो दिखाई हैं। ये चक नंबर 329 की जामिया मस्जिद है जी। ये इसका मीनार है जी। रात का टाइम है, मगरब के बाद इन्हें आप वीडियो बना रहे हैं, इधर नमाज़ पढ़ी है। तो हम पहले बताएं आपको इसका कि ये रास्ता आप देख रहे हैं जी, ये पीछे अस्तंजा खाना है। वहाँ से जब लोग फारग हो करते हैं तो जनाब ये है फिर वज़ू खाना। बड़ा अच्छा निज़ाम है जी यहाँ पे वज़ू का, और माशाल्लाह जी काफ़ी अल्लाह के घर पे खर्च किया है लोगों ने। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। ये बुरा निज़ाम है जी, देखें जी यहाँ से शुरू होता है। ये सारी टूटियाँ लगी हुई हैं जी, तो ये देखें जी पूरा सिस्टम है यहाँ पर। और ये वाटर कूलर लगा हुआ है जी गर्मियों के लिए, यहाँ पे ठंडा पानी मिलता मजस्तर होता है। ये आप देखें जी, तो माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह का घर वैसे जहाँ भी हो खूबसूरत होता है। और ये जनाब स्पेशल मैं ये आपको दिखा दूँ, ये साइड यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, ये डबल स्टोरी है जी मस्जिद। ये आप देखें जी, ये सारे जनाब डबल स्टोरी है ऐसे। अब मेन ये आप देखें फर्श इसका, ये जनाब मार्बल लगा हुआ है। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। ये साथ एक घर भी बना हुआ है जो यहाँ पे इमाम साहब होते हैं उनके लिए, लेकिन इमाम साहब उस जगह रह रहे हैं, ये अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तो ये हम मेन मस्जिद की तरफ अंदर चलते हैं जी, अंदर का व्यू करवाते हैं आपको। पहले ये थोड़ा सा ऊपर भी करवा दें। ये देखें जनाब बड़ा क्या ही, अल्लाह का घर वैसे प्यारा है कोई शक नहीं, लेकिन इसमें स्पेशल देखें आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। अल्लाह ताला जिस तरह अपने घर को आबाद किया हुआ है खूबसूरती के साथ, इस तरह अल्लाह ताला हर मुसलमान हर मोमिन भाई के दिलों को भी इस तरह आबाद रखे। तो हम अब चलते हैं जी अंदर। ये देखें जी टाइल पे काफ़ी ना ये आयात मुबारक, आयतुल कुर्सी है, हाँ जी आयतुल कुर्सी है, दूध पाक है ये लिखा हुआ है जी। तो ये दूध पाक लिखा हुआ है जी, आयतुल कुर्सी नहीं दूध पाक है सर जी। बाकी ये मुख्तलिफ आयात लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये भी है जी। ये देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ जी, आज बस रात को टाइम मिला है, किस दिन इंशाल्लाह सुबह के टाइम भी आपको दिखाएंगे। मेन इसका दरवाज़ा ये है अंदर जाने का, वैसे साइड पे छोटे दरवाजे हैं जी। ये दरवाज़ा है माजरत जी, सर्दी है थोड़ी सी, इसलिए खांसी वगैरह भी। ये जनाब ये माशाल्लाह जी ये छोटा दरवाज़ा है, यहाँ से जब कोई ख़ास तकरीबात होती है यहाँ से। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि पहले जब ये मस्जिद पुरानी थी, ये बस दोबारा नई खेत का नया बनाया गया, तो इसका ये यहाँ पे दरवाज़ा होता था। यहाँ पे ये आप छोटा तो नज़र आ रहा है आपको, ये दरवाज़ा होता था इस मेन जो मीनार है इसके साथ। तो ये फिर बंद कर दिया गया, अब इसका दरवाज़ा इस तरफ ये सामने नज़र आ रहा है आपको, इस तरफ से खोल दिया गया है। अब जी हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आपको व्यू करवाते हैं जी अंदर का। ये जनाब देखें जी, आप यहाँ दरवाजे से ही शुरू कर लेते हैं जी। ये माशाल्लाह ये चेयर वगैरह भी हैं, जो मरीज़ अगर हो नमाजी भाई मोमिन भाई जो है अगर हो तो वो उसको फिर यहाँ से उसके लिए सहूलतें हैं जी। चेयर रखी हुई है, छत देखें जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत छत है। तो ये जनाब ये वही जो मैंने बाहर से दरवाजे दिखाए हैं, विंडो दिखाई है, उनके अंदर पर्दे लगे हुए हैं जी। यहाँ भी ये दो चेयर यहाँ पे रखी हुई है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है ये जी। देखें जी आप, तो यहाँ पे अच्छा सिस्टम है नमाज का भी, लोग माशाल्लाह बड़े ज़ौक शौक से अल्लाह का जो फ़र्ज़ है उसको निभाने के लिए आते हैं। तो बाकायदा 5 वक्त जमात होती है जी। यहाँ पर हमारे खतीब साहब हैं जी, कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलम दीन हैं जनाब कारी इस्माइल साहब। ये जनाब मेहराब बड़ा खूबसूरत मेहराब है जी, मेंबर है यहाँ पे, मौलाना साहब खुतबा वगैरह देते हैं। ठीक है जी, ये मेहराब बनाया हुआ है जी, देखिए जी कैसा मेहराब बनाया है जी, माशाल्लाह कारीगरों का कमाल है। अल्लाह का घर वैसे खूबसूरत, मैं 2-3 दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का घर कोई भी है ना, अगर अल्लाह जिस बंदे के दिल में रहता है ना, वो दिल साफ़ है तो वो भी बड़ा खूबसूरत होता है वैसे बंदे का।
लेकिन ये अलग घर है, मस्जिद है जी, बहुत प्यारी जगह है, सुकून मिलता है यहाँ पे। जब बंदा किसी भी परेशानी किसी मसले में हो, जब मस्जिद में आ जाए ना, अल्लाह के हवाले हो जाए, अल्लाह की तहवीब में बंदा आ जाता है, तो फिर उसको बड़ा सुकून आता है। ये जनाब मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरी मस्जिद के व्यूज, माशाल्लाह जी। हाँ जी, इस तरफ हज़रत सल्लम के इस्मा मुबारक हैं जी, और दूसरी साइड पे मैं वो भी दिखा दूँ, वो भी ज़रूरी है, पहले वो दिखाने चाहिए वैसे, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला इस्मा ग्रामी है जी, जो कुल कायनात का मालिक है, हम सब का वारिस है, हम सब का राज़िक है। ये जनाब अल्लाह तबारक व तआला इस्मा ग्रामी है। असल में थोड़ा सा रात का टाइम है ना, तो अभी जो नमाजी भाई हैं वो भी चले गए हैं, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है कि लाइट कहाँ से आना होती है, वरना मैं किस दिन को इंशाल्लाह मैं इसका व्यू करवाऊँगा सही तरीके से आप लोगों को। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह फनूस लगा हुआ है जी, ये छत है जी, बड़ी प्यारी छत है माशाल्लाह जी। या अल्लाह जिसने अपने घर को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, हमारे दिलों को भी खूबसूरत बना दे, हमारे दिल बिल्कुल साफ़ कर दे। या अल्लाह तेरी बहरगाह में यही हमारी अर्ज़ है कि सब मुसलमान प्यार मोहब्बत खलूस के साथ एक दूसरे के साथ रहें। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये स्पेशल उन्होंने देखे जी अरेंजमेंट्स, देखे इन्होंने ये क्यों सफाई के लिए, ठीक है जी। ये इन्होंने जनाब सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है, इससे बाकायदा सफाई, बाकायदा जाले साफ़ होते हैं, धुलाई होती है मस्जिद की, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा यूपीएस है जी, कोई लाइट गर्मी और सर्दियों में कोई मसला लाइट का नहीं होता, बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। और जिस बंदे जो भी इसका मतवली है, जो इसका चला रहा है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, उसके रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला सब के लिए आसाना पैदा करे। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी आबाद रख, जिस तरह इस अपने घर को आबाद रखा है ना, वो भी तेरा घर है मौला। हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हमारी 99% आबादी जो है मुसलमानों की है, तो सब भी तेरे बंदे हैं, चाहे वो मुस्लिम या मुस्लिम, लेकिन मुसलमान जो हैं, जो आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं, मुसलमान कहलाता नहीं है जो आप सरकार से मोहब्बत न करता हो। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी, सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाह अज़ीम, क्या ही बात है जी, बड़े अच्छे। बस नाज़रीन थोड़ा सा ना मैं टाइम गलत मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बहरहाल आपको थोड़ी सी ये मालूमात हो जाए। इंशाल्लाह दिन के टाइम किस टाइम ना, जब यहाँ पे नमाज़ी होंगे, और हम नमाज़ी काफ़ी तादाद में होते हैं जी यहाँ पे जो होंगे, तो फिर भी फिर मैं आपकी उनसे मुलाकात भी करवाऊँगा, ख़तीब साहब से मुलाकात करवाऊँगा, इनके जो मस्जिद का मतवली है उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा। तो अब चलते हैं जी, आज की थोड़ी सी काविश अल्लाह के घर की, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज का आदि बनाए, हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, हमें हर किस्म के गम परेशान दूर रखे, ठीक होगा जी। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद है, जब खोलते हैं दरवाज़ा बाहर चलते हैं जी, ठीक है जी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।